जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हमारे पास में जो कॉल पहुंची है जिस जिले से मैं बिलोंग करता हूं दोस्तों, जिला बिजनौर, वहीं का ये विकास भवन है और वहीं से हमारे पास में कॉल पहुंची है। यहां पर एक सांप देखा गया था, तो यहां के जो DRDO सर हैं उन्होंने हमारे पास में कॉल की थी और अभी जो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं दोस्तों, उनसे मिलेंगे और मिलने के बाद में जो है देखेंगे यहाँ पर जो है कौन सा स्नेक है। तो हमारे साथ आप वीडियो में जुड़े रहें दोस्तों। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये विकास भवन की जो है बिल्डिंग है और यहीं पर हम आए हुए हैं। अभी हम यहाँ पर जो है देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है अभी सांप देखा गया था तो रेस्क्यू के लिए यहाँ पर हमें आना पड़ा दोस्तों। अभी हम चल करके जो यहाँ के सर हैं जिन्होंने हमारे पास में कॉल की थी, उनसे हम मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे दोस्तों। उसके बाद में आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर कौन सा सांप है, कौन सा सांप उनके द्वारा जो है देखा गया था। तो आप वीडियो में जुड़े रहें दोस्तों। दोस्तों, हम यहाँ पर आए हुए थे बिजनौर में, जिला बिजनौर, जहाँ आपको बताते हैं कि मैं जिला बिजनौर के गांव से बिलोंग करता हूँ और आज जिला बिजनौर में ही मेरा आना हुआ है और यहाँ पर जो है एक सांप सर के यहाँ पर छिपा हुआ था। सर हमारे साथ में है, तो अपना नाम और एड्रेस यहाँ का बताएंगे दोस्तों। मैं ज्ञानेश्वर तिवारी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर DRDA बिजनौर में पोस्टेड हूँ। मेरे सरकारी आवास पे कल जो है ये सांप दिखा, तो इसका हमारे कर्मचारियों ने एक वीडियो बना लिया था। जी सर, मुझे शर्मा जी का, लोकेन शर्मा जी का नाम यूट्यूब से पता चला। कल मैंने इनको वीडियो भेजा तो इन्होंने बताया कि रसल वाइपर है और बहुत ही जहरीला होता है। पहले ये यहाँ पे यूपी में नहीं पाया जाता था, लेकिन केदारनाथ की जब बाढ़ आई तो उसके बाद से बिजनौर में इसकी संख्या बहुत बढ़ गई है और स्नैक बाइट से ज़्यादातर घटनाएं जो हो रही हैं वो रसल वाइपर से ही हो रही हैं। मैंने इनसे अनुरोध किया और सुबह जो है ये स्वयं जो है वो चल के आए, मैं इनको लेके आया और इन्होंने कहा कि ये प्रायः जहाँ रहता है किसी जगह पे छिप जाएगा तो 3-4 दिन वहीं पड़ा रहता था। इनकी बात सही निकली, एक पीछे मेरे आवास पे लकड़ी का ढेर था, वहाँ ये गए और उसको 10 मिनट में इन्होंने वहाँ पे रेस्क्यू किया और मैं इनका बहुत आभारी हूँ कि शर्मा जी यहाँ आए और इन्होंने हमारी सहायता की, धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, अभी हम इसको जो है कैच कर चुके हैं और अभी इसको जो है पैक करेंगे और फिर से इसको ले जा करके हम रिलीज़ कर देंगे। तो अभी यहाँ पर जो है सर बता रहे थे और भी सांप देखा गया था, तो एक बार हम यहाँ पर सर्चिंग करेंगे कि ये सांप है या नहीं है और फिलहाल इसको हम पैक करते हैं दोस्तों। तो चलिए, तो दोस्तों फिलहाल हम पहुँच चुके हैं यहीं पर रेस्क्यू के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आज हम खास बिजनौर में आए हुए हैं और बिजनौर के अंतर्गत काफ़ी सारे गाँव आते हैं, उन्हीं में से एक छोटा सा मेरा भी गाँव है और वहीं से मैं अपना रेस्क्यू का काम करता हूँ। अभी हमारे पास में दोस्तों कॉल पहुंची थी सर की, हमारे साथ में ही सर हैं, तो हम अभी निकाल करके आपको दिखाएंगे। इनके यहाँ पर एक सांप देखा गया था, इन्होंने मेरे पास में जो है रात के समय एक वीडियो भी दोस्तों शेयर की थी, डाली थी, और इनके यहाँ पर कल जो है वो सांप देखा गया था। अभी क्योंकि कल रात हो गई थी तो हमारे पास में जो कॉल पहुँची वो रात को पहुँची, तो सर ने आने के लिए कहा सुबह में, तो हम जो है तुरंत बिना समय गवाए वहाँ पर पहुँचे हैं। और इस समय हम दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर जो है लकड़ियाँ हैं और इन्हीं लकड़ियों में इनके आसपास ही कल यहाँ पर जो है सांप देखा गया था। कल सर बता रहे थे कि इन लकड़ियों में सांप घुसा है, तो अभी दोस्तों यहाँ पर तो काफ़ी आप देख सकते हैं यहाँ पर सांप नहीं मिला हमें, तो अभी हम दूसरी जगह पर यहाँ पर और भी लकड़ियाँ रखी हुई हैं, क्योंकि दोस्तों लगभग कन्फर्म यही होता है कि ये जो सांप होता है रसल वाइपर, जो कि सर ने वीडियो पहले ही हमें जो है भेज दी थी, तो रसल वाइपर सांप जो होता है कभी कभी दोस्तों एक ही जगह पर जो है छिप करके ये कई दिनों तक, काफ़ी दिनों तक बैठा रहता है, तो इसीलिए हम तुरंत वहाँ पर पहुँच गए। और अभी हम दोस्तों ये लकड़ियाँ हटा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारी लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं और हो सकता है दोस्तों इन्हीं के अंदर वो सांप हो, 90% इनके अंदर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी सारी लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, उसके ऊपर काफ़ी सारी बेल ये लगी हुई हैं। तो अभी हम धीरे धीरे दोस्तों इन लकड़ियों को हटाएँगे और निकाल करके देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा सांप छिपा हुआ है, क्योंकि दोस्तों रेस्क्यू के लिए जब भी हम पहुंचते हैं तो कोशिश यही रहती है कि हम जल्दी से जो सांप घर में है या जहां पर भी है उसको हम जल्दी से रेस्क्यू करें और उसको फिर से ले जाकर इसके अनुकूलित वातावरण में हम रिलीज़ करें। तो अभी फ़िलहाल हम उसको रेस्क्यू करेंगे और उस सांप के बारे में आपको फुल जानकारी देंगे, क्योंकि दोस्तों जानकारी सही बचाव है और हम अपनी हर एक वीडियो में बताते हैं कि जब भी किसी स्नैक वाइट किसी को स्नैक वाइट होती है, जब भी किसी को सांप काटता है, तो हमारा कहना ये रहता है कि सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएं, किसी भी झाड़फूंक तंत्र मंत्र ओझागुनी के बारे में आप जानकारी ना लें और उसके चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें, क्योंकि अक्सर जब किसी को सांप काटता है तो जो भी ओझागुनी ये झाड़फूंक करने वाले होते हैं उसके बारे में लोग जानकारी लेते हैं, पूछते हैं, उनके पास चले जाते हैं, तो
इंसान को प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों। तो जब भी कोई वेनामस स्नेक काटता है, जहर वाला सांप बाइट करता है, तो कोई भी झाड़ फूक तंत्र मंत्र ओझागुनी करने वाला कभी भी किसी को नहीं बचा सकता है। तो इसलिए हमारा प्रयास यही रहता है वीडियो के माध्यम से, हम यही बताते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमारी जो है लोगों तक पहुँचे, लोगों की जान को बचाया जा सके। तो जिला अस्पताल पहुँचे, वहाँ पर एंटी वेनम की व्यवस्था है, और एंटी वेनम लेने के बाद में जो है इंसान को कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहली बात है कि कभी भी कोई सांप अगर काटता है तो घबराए नहीं। अगर कोई बिना जहर वाला सांप भी काटता है तब भी इंसान की मौत हो जाती है, क्योंकि वो सांप के जो है काटने के बाद में तुरंत घबरा जाता है, घबराहट के कारण हृदयघात से, हार्ट अटैक से उसकी जो है मौत हो जाती है। अभी सांप हमें दिख चुका है दोस्तों, हमारा जो आइडिया था वो बिल्कुल ठीक था। और यहीं पर आप देख सकते हैं लकड़ियों में अंदर जो है एक रसल स्वाइपर स्नेक, जो कि हमारे भारत का सबसे खतरनाक सांप माना जाता है, जैसे कि आपने वीडियो में भी देख लिया होगा। और अभी हम इसको निकालेंगे दोस्तों, निकाल करके इसको जो है हम अभी पैक करेंगे। पहले हम इसको जो है रेस्क्यू करते हैं, क्योंकि लकड़ियाँ काफ़ी सारी यहाँ पर पड़ी हुई हैं, और सांप जब ऐसी जगह पर छिपता है दोस्तों, तो कभी कभी सारी लकड़ियाँ या कहीं पर ईंटों का ढेर होता है, तो वो ईंटों का ढेर सारा हटाना पड़ जाता है, तभी जा करके वो सांप हम रेस्क्यू कर पाते हैं। लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि भरपूर प्रयास हमारा यही रहता है कि हम सांप को रेस्क्यू करें और उसके बारे में जो है जानकारी प्रोवाइड कराएं, क्योंकि जानकारी ही सही बचाव है। हम विश्वास के चक्कर में आकर के ना जाने कितनी जाने आज तक जा चुकी हैं। ये जो सांप है अक्सर जो है खेतों में ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है, और अक्सर जो है जहाँ पर ज़्यादा ये पेड़ पौधे, ज़्यादा कूड़ा करकट, इधर उधर लकड़ियाँ वकड़ियाँ रखी होती हैं, तो उन जगह पर ज़्यादातर ये दोस्तों घुस जाता है आकर के, और अपने भोजन की तलाश में, क्योंकि ज़्यादातर सांप रात को निकलते हैं और फिर भोजन करने के बाद में इधर उधर छिप जाते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं हमने इस सांप को अभी कैच कर लिया है दोस्तों। अभी बिल्कुल नई उम्र का ये सांप है और इसने अभी अपनी कैचुली उतारी है, तो काफ़ी ज़्यादा ये तीव्र है, काफ़ी तेज़ हो रहा है, और काफ़ी तेज दोस्तों इसका साउंड भी आ रहा है। तो दोस्तों ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इंडियन रसल स्वाइपर स्नेक है, हमारे भारत का सबसे खतरनाक सांप इसको माना जाता है। और ये दोस्तों जब भी वाइट करता है, काटता है, तो काफ़ी ज़्यादा पीड़ा होती है, और वहाँ पर जहाँ ये काटता है वहाँ पर गैंग्रीन शुरू हो जाती है, गलना शुरू हो जाता है, और अगर इंसान सही ट्रीटमेंट नहीं लेता है, सही इलाज अगर उसको नहीं मिल पाता है, तो दोस्तों ये उसकी लीवर को और किडनी को, दोनों को डैमेज कर देता है, धीरे धीरे इंसान की जो है मौत तक हो जाती है। और काफ़ी ज़्यादा दोस्तों पीड़ा होती है, और जहाँ पर ये काटता है इतनी बुरी तरह से ये गला देता है, पैर हाथ जो भी जहाँ पर भी ये वाइट करता है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। मैंने कई बार इसकी वाइट का जो मार्क है और इसकी वाइट के बाद में जो हाल इंसान का होता है वो मैंने सब देखा हुआ है। तो ऐसा सांप दोस्तों कभी भी अगर किसी को काटता है तो सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएं, और बिना किसी झाड़ फूक तंत्र मंत्र ओझागिनी के चक्कर में पड़े सीधा इलाज लें, क्योंकि इलाज ही सही बचाव है दोस्तों। इंसान की जान को केवल जो है इलाज के द्वारा ही बचाया जा सकता है। अभी इसको पैक करते हैं दोस्तों, और फिर से ले जा करके इसके अनुकूलित वातावरण में इसको रिलीज़ करेंगे। दोस्तों देख करके कभी भी वीडियो को कॉपी ना करें, सबका स्नैक हैंडलिंग करने का तरीका अलग अलग होता है। तो इस तरह से जैसे हम वीडियो में आपको दिखा रहे हैं, इस तरह से आप करने की कोशिश ना करें, क्योंकि हर किसी का एक अलग अपना अनुभव होता है। तो हमारा कुछ अलग अनुभव है, इसी तरह से हम अपने जब हम रेस्क्यू करते हैं तो सांप को इस तरह से हम हैंडल कर लेते हैं। तो कभी भी दोस्तों देख करके किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए। तो फिलहाल हमने इसको भी कैच कर लिया है, और इसको दोस्तों भी हम पीछे करेंगे। तो आप सब्सक्राइब करें, 11 लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। अच्छा, आज की वीडियो यहीं तक, और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ये थोड़ा सा हमने वीडियो डाली है यहीं पर, क्योंकि ये जिला बिजनौर का विकास भवन है, बिजनौर का आप देख सकते हैं, यहीं पर सर जो है ताजे रहते हैं, यहीं पर अपना ड्यूटी है, और उन्हीं के जो है निवास स्थान पर ये सांप था दोस्तों। तो ये आप एक झलक देख सकते हैं विकास भवन बिजनौर की, जहाँ पे हम आए हुए थे। पहले हम उनके ऑफिस में पहुँचे थे, और ऑफिस से सर हमें घर लेकर के गए थे। तो चलिए दोस्तों आज